चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं आशीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्त। और चलिए आपसे महत्वपूर्ण रूप से हम बातचीत करते हैं करंट अफेयर्स के अभ्यास श्रृंखला पर, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी व्यापक महत्व रखते हैं। चलिए दोस्त, लेकर के चलते हैं आपको आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। ध्यान दीजिएगा, करंट अफेयर्स की श्रृंखला को आपको डेली तैयार करना होगा, क्योंकि सभी प्रकार के एक दिवसीय एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स की उपयोगिता लगातार बढ़ती जा रही है। और करंट अफेयर्स की श्रृंखला को तैयार करने का एकमात्र तरीका होता है कि इसे रोज़ाना यहाँ पे तैयार करें, क्योंकि करंट अफेयर्स जब इकट्ठे तैयार हो जाता है तो इसे याद कर पाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। अतः आपको रोज़ाना एक नोट्स बनाते हुए, उसका रिवीजन करते हुए निरंतर तैयारी को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। चलिए दोस्त, प्रश्न नंबर एक की बात करते हैं। कह रहा, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, कब मनाया गया? तो अब देखिए, मतलब हाल ही में मनाया गया, वह किस तिथि को मनाया गया? प्रश्न थोड़ा सा घुमा भी सकता था, कह सकता था कि प्रत्येक वर्ष विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है क्या यह 24 अप्रैल को मनाया जाता है, बी कह रहा है क्या 25 अप्रैल को मनाया जाता है, सी कह रहा है क्या 26 अप्रैल को मनाया जाता है, और डी कह रहा है क्या 21 अप्रैल को मनाया जाता है। तो प्रश्न नंबर एक के लिए ध्यान दीजिएगा कि अच्छा, प्रश्न नंबर एक के लिए आप कमेंट करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर एक का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होता है। इसका सही आंसर है प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है, और जो हाल फिलहाल में मनाया गया है। प्रश्न नंबर दो के क्रम की ओर आते हैं, और प्रश्न नंबर दो कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए जन सहायक, अंग्रेजी में हेल्प मी ऐप लॉन्च किया है? कह रहा है क्या हरियाणा राज्य सरकार ने, बी कह रहा है क्या राजस्थान राज्य सरकार ने, सी कह रहा है असम राज्य सरकार ने, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर दो के लिए आप कमेंट करेंगे, जन सहायक या हेल्प मी ऐप के लिए। चलिए दोस्त, प्रश्न नंबर दो का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है कि हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा सभी आवश्यक सेवा प्रदान करने के लिए जन सहायक, देखिए आप नाम से भी लग रहा है हेल्प मी, मतलब ये जन, मतलब लोगों तक सुविधा, आवश्यक जो इसेंशियल सर्विस की चीज़ें पहुंचाने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। प्रश्न नंबर दो का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर तीन के क्रम की ओर आते हैं, प्रश्न नंबर तीन कह रहा है कि हाल ही में किसने चैरिटी वॉक के जरिए व्यक्तिगत तौर पर सबसे ज़्यादा धन इकट्ठा करने का रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज किया है? अब देखिए, बात हो रही है चैरिटी के माध्यम से, चैरिटी वॉक। कह रहा रिचर्ड रोजर्स, बी कह रहा टॉम मूरे, सी कह रहा जॉर्ज मार्टिन, और डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर तीन के लिए कमेंट करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, टॉम मूरे। टॉम मूरे ने चैरिटी वॉक के जरिए सबसे ज़्यादा धन इकट्ठा करने का रिकॉर्ड गिनीज बुक में इन्होंने दर्ज किया है। प्रश्न नंबर चार के क्रम की ओर आते हैं, प्रश्न नंबर चार कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना को लॉन्च किया है? जीवन शक्ति योजना की बात कर रहा है। ए कह रहा उत्तर प्रदेश, बी कह रहा मध्य प्रदेश, सी कह रहा हिमाचल प्रदेश, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। कह रहा है कि प्रश्न नंबर चार के लिए कमेंट करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर चार का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने, इन्होंने महिलाओं के लिए जो जीवन शक्ति यहाँ पे योजना लॉन्च किया है। प्रश्न नंबर पाँच के क्रम की ओर आते हैं, और प्रश्न नंबर पाँच कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोगों में कोविड-19 के लक्षण का पता लगाने के लिए कोविड फार्मा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश, केरल, राजस्थान, और कह रहा है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर पाँच के लिए कमेंट करिएगा।
चलिए प्रश्न नंबर पाँच का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर पाँच का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने अभी कोविड 19 के लक्षण का पता लगाने के लिए कोविड फार्मा मोबाइल ऐप को इसने क्या किया है, लॉन्च किया है। प्रश्न नंबर छः के क्रम की ओर आते हैं और प्रश्न नंबर छः करा है कि हाल ही में महिला क्रिकेटर सना मीर को राष्ट्रीय क्रिकेट ने संन्यास की घोषणा की, वो किस देश से संबंधित, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत। कमेंट करेंगे प्रश्न नंबर छः के लिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर छः का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रश्न नंबर छः का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान। प्रश्न नंबर सात के क्रम की ओर आते हैं और प्रश्न नंबर सात कह रहा है कि हाल ही में एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने धाविका झूमा खातून पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष और करा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर सात के लिए कमेंट करिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर सात का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर सात का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 4 वर्ष। प्रश्न नंबर आठ के क्रम की ओर आते हैं और प्रश्न नंबर आठ कह रहा है कि हाल ही में किसने डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रीय समिति DNC के CEO के पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है, रेणु खटोड, जान कैरी, सी कह रहा सीमा नंदा और डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर आठ के लिए आप कमेंट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर आठ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर आठ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सीमा नंदा ने। प्रश्न नंबर नौ के क्रम की ओर आते हैं और प्रश्न नंबर नौ कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को प्रतिष्ठित अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस का सदस्य नियुक्त किया गया है, ए कह रहा है इंदिरा नुई, बी कह रहा रेणु खटोन, सी कह रहा है गजाला हाशमी और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर नौ के लिए आप कमेंट करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि भारतीय अमेरिकी को प्रतिष्ठित अमेरिकन एकेडमी ऑफ यहाँ पे आर्ट्स एंड साइंसेस की बात कर रहा है का सदस्य नियुक्त करने की। प्रश्न नंबर नौ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, रेणु खटोन। चलिए प्रश्न नंबर दस के क्रम की ओर आते हैं और प्रश्न नंबर दस कह रहा है, प्रश्न नंबर दस कह रहा है कि हाल ही में किस देश में अपराधियों को कीड़े मारने की सजा खत्म करने की घोषणा की गई है, रोमानिया, नीदरलैंड, सऊदी अरब और इजराइल। प्रश्न नंबर दस के लिए कमेंट करिएगा। मतलब किस देश ने मतलब कीड़े को मारना अपराध की श्रेणी से निकाल दिया है या उसको खत्म कर दिया है। चलिए प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सऊदी अरब। सऊदी अरब ने अपराधियों को कीड़े मकोड़े मारने की सजा मतलब खत्म कर दिया है। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं और प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता व महंगाई राहत बढ़ाने पर कब तक रोक लगा दिया है, 31 ए कह रहा है क्या 31 मार्च 2021 तक, बी कह रहा है 1 अप्रैल 2021 तक, सी कह रहा है 30 जून 2021 तक, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 11 के लिए कमेंट करिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 30 जून 2021 तक के लिए राज्य कर्मचारियों का उत्तर प्रदेश में महंगाई भत्ता बढ़ाने पर रोक लगा दिया गया है। और ये है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने अपने पहले मंगल अन्वेषण मिशन का नाम 93-1 रखा है, ए कह रहा है ईरान, बी कह रहा अमेरिका, सी कह रहा चीन और डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त प्रश्न नंबर 12 के लिए आप कमेंट करिएगा रोज़ाना की भांति। और ध्यान दीजिएगा कि हमारे सभी कोर्सेज में ऑनलाइन एडमिशन प्रारंभ है। आपको 25% का डिस्काउंट अप्लाई कूपन कोड C2020 यूज करने पर आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। तो दोस्त आप घर पर रहें, सुरक्षित भाव में तैयारी करें और आप अपने तैयारी को निरंतर सुनिश्चित करते रहें। और ये ध्यान दीजिएगा कि रजत को मोटिवेट करने के लिए इनका चैनल रजत फॉर यू सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच।